देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डाल। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के द्वारा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छठी क्लास से बारहवीं क्लास तक बेहतर नंबर लाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। पिछले कई सालों से नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के द्वारा इसी तरीके के कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन। छात्रवृत्ति, खेल प्रतियोगिता, पर्यावरण संरक्षण एवं हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन कर मिशन फर्स्ट फाउंडेशन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का रख रही है ख्याल। राजधानी दिल्ली के स्कूलों में अपनी शिक्षा लेने वाले स्कूली छात्र सुविधाओं के अभाव में किसी भी तरह अपने सपनों को साकार करने से वंचित न रह जाए, इसी सोच से नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के द्वारा स्कूली छात्रों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए सरकारी स्कूल के बच्चों को पंख देने का काम करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के द्वारा प्रधान महेंद्र यादव छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया। इस छात्रवृत्ति योजना में छठी कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा के उन छात्रों को शामिल किया गया जिन्होंने अपने स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया। इस मौके पर स्कूली छात्रों को साइकिल, स्कूटी और बाइक देकर उनके पंखों में उड़ान भरने का काम किया। इस मौके पर सामाजिक और राजनीतिक जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी मौजूद रही जिन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने भी अपने अनुभवों को साझा करते हुए नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के संस्थापक देवेंद्र यादव का आभार भी प्रकट किया। इस मौके पर संस्थान के संस्थापक देवेंद्र यादव ने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि जो भी बच्चा असुविधाओं के अभाव में पिछड़ जाता है उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए और इसी मकसद से संस्था के द्वारा लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपको बता दें कि नेशन फर्स्ट फाउंडेशन द्वारा विगत कई वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत ऐसे बच्चों को सम्मानित करने का काम किया जाता है जो मजदूर वर्ग के परिवार से आते हैं ताकि सुविधाओं के अभाव में वो पीछे न रह जाए। इसके अलावा खेल प्रतियोगिता, पर्यावरण संरक्षण एवं हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन भी संस्थान द्वारा किया जाता है। देखिए अनिल वर्मा की रिपोर्ट। सेकंड पोजीशन पर आने वाले बच्चे साइड में भी जो महानुभाव खड़े हैं, जो पेरेंट्स खड़े हैं, माता पिता खड़े हैं, वो अपना स्थान। आज आपको क्या पुरस्कार मिला है, कितनी मेहनत रही इस बच्चे से और कितना ज्यादा इंतजार रहता है खासतौर पे बच्चों को आज के दिन के लिए, कितना आप लोग जो प्रोत्साहन है वो आपका बढ़ता है? पहले तो मेरा नाम शिवम है, मैं यहीं पे आदरणीय से रहता हूँ। अभी 12th क्लास में मुझे अवार्ड मिला है, इससे पहले 11th क्लास में मिला था। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लगभग साल भर मेहनत करनी पड़ती है। कंपटीशन हद से ज़्यादा रहता है, हमें पता नहीं रहता कि हमें अवार्ड मिलेगा अभी कि नहीं। इतनी मेहनत के बाद भी कई बच्चों को नहीं मिलता है और ये अवार्ड सेरेमनी होती है तो इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, उनको कुछ करने का हौसला मिलता है। तो करते हैं। मेरा नाम सलोनी चरसिया है और मैं लिबासपुर स्कूल की टॉपर हूँ। मैंने आर्ट्स और कॉमर्स दोनों में टॉपर किया, हालांकि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। आज जो आपको अवार्ड मिला है जी, कितना इंतज़ार था आपको इसके लिए और कितना ज़्यादा मोटिवेट होते हैं बच्चे? बहुत ज़्यादा मुझे इंतज़ार था इसका, बिकॉज मैं पहले भी टॉप, मतलब पहले तो मेरे हर बारी मैं अपनी क्लास में फर्स्ट रही हूँ, बट ऐसा मौका कभी नहीं मिला। एक बार मिला था स्कूल की तरफ से हमें दिया गया था अवार्ड, बट लास्ट ईयर मेरी फ्रेंड को मिला था तो वो यहाँ पर आई थी तो मुझे उसके लिए खुशी हुई थी, बट अपने लिए बुरा लगा था कि मैं उसकी जगह पे क्यों नहीं हूँ। तो इस बार मैंने कोशिश करी, अपना बेस्ट दिया और मैंने आर्ट्स में टॉप किया, अपना पूरा बेस्ट दिया। बट अफसोस की बात है कि मेरी फ्रेंड अभी यहाँ पे नहीं मौजूद है बिकॉज उसके थोड़े कम नंबर आ गए थे, बट फिर भी मैं अपने लिए बहुत खुश हूँ कि मैंने जो सोचा था वो मैंने किया। और क्रेडिट गोज़ टू माई टीचर, माई प्रिंसिपल मैम एंड माई पेरेंट्स और मेरे ट्यूशन टीचर जो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिए, और मेरे स्कूल की टीचर्स ज्योति मैम, मेरी क्लास टीचर सुधा मैम, प्रिंसिपल मैम रितु मैम, एवरीवन वाज गुड। सबने बहुत सारे टेस्ट लिए और इतनी अच्छे से तैयारी करा दी कि हमें एग्ज़ाम में बैठने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि एग्ज़ाम इतना टफ आया या फिर ईजी आया। हमने बहुत आई एम ईशा यादव, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट लिबासपुर स्कूल। और इफ़ आई से समथिंग अबाउट माई स्कूल, तो मेरा स्कूल एक्चुअली बहुत अच्छा है। वहाँ पर हमारी टीचर्स हमें बहुत मोटिवेट करती है, हमको हमारी क्लास टीचर्स ने इतना मोटिवेट किया है। उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कि मैं फर्स्ट आई हूँ, टॉप किया। इवन मेरी क्लास की बाकी लड़कियों ने भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। हमारी प्रिंसिपल मैम वो हमको अक्सर आके हमको मोटिवेट किया करती थी, हमसे कहा करती थी कि हमारे स्कूल का नाम रोशन करना है तुम लोगों को, और इवन हमको सिखाती भी थी, हमको टिप्स देती थी। आज का जो कार्यक्रम था, आज आपको बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट थी, थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी कि क्या होगा क्या नहीं, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैं आई थी तब भी काफ़ी मतलब अच्छा था, बट ये इस बार का
एक अलग था क्योंकि 12th क्लास थी, बोर्ड के एग्जाम थे, बहुत अच्छा फील था। कितना ज़्यादा इंतजार था आपके आज के दिन के लिए और कितनी मेहनत आपकी हुई, पहले नाम बताएं फिर उसके बाद बताइए। मेरा नाम सोनाली है, मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय की स्टूडेंट हूँ। मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है 8th क्लास में, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत इंतज़ार था इस दिन का कि अवार्ड मिले, आई एम सो हैप्पी। और मुझे स्कूल में भी अप्रिशिएट किया गया, आई एम एंड थैंकफुल टू देवेंद्र यादव सर जी जो उन्होंने अवार्ड दिया, आई एम थैंकफुल। यादव जी, बहुत से बच्चों के सपने पूरे हुए हैं, मोबाइल साइकिल सपने को देख रहे हैं पूरे आप कर रहे हैं, किस तरह से चयन होता है, क्या मंशा है इसके पीछे? मंशा स्पष्ट है, जो बच्चा होनहार है, जिसको एक उचित कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या आर्थिक वजह से या साधनों की वजह से जो बच्चा पीछे छूट जाता है, हमारी कोशिश है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाकर उनकी मदद कर सकें और जो उनका टैलेंट है उसको निखार कर उसको उस स्ट्रीम में जाने के लिए, जो भी वो उसका सपना है उसको परस्यू करने के लिए, उसको साकार करने के लिए जो भी कुछ लग सकता है, हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को वो प्रोवाइड करें। जैसा आपने देखा होगा कि हमारा सिर्फ सरकारी जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें पढ़ने वाले जो पाँचवीं से छठी से लेकर बारहवीं तक के बच्चे हैं, वो जो फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड है, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, हम चाहते हैं कि उनको उनके सपनों को परस्यू करने में कोई भी अड़चन ना रहे। और उसके लिए नेशन फर्स्ट फाउंडेशन, प्रधान महेंद्र यादव जी के आशीर्वाद से, उनको प्रेरणा से हम ये हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। माने आप जानते हैं राजीव जी का आज बर्थ है, एनिवर्सरी है, हर वर्ष 20 अगस्त को हम ये आयोजित करते हैं, प्रधान महेंद्र यादव जी की छात्रवृत्ति के नाम से करते हैं और नेशन फर्स्ट फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो हमारा मकसद स्पष्ट है, बच्चों जो सपना देखना चाहते हैं, उड़ान भरना चाहते हैं, हम उनको पंख देंगे, जो सपना देखना चाहते हैं हम उनको साकार करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से चयन होता है बच्चों का और क्या केवल सरकारी स्कूल के बच्चे ही हैं? यहाँ केवल और केवल सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। हमें महसूस होता है कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको निश्चित ही अपने सपने देखने में कोई परेशानी करते हैं कि उनको प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो बच्चे हैं जो किसी ना किसी अभाव के चलते हम नहीं चाहते कि उनकी पढ़ाई रुक पाए, हम उनकी फीस का जो खर्चा है वो वहन करते हैं और ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करना चाहता राजनीति, ये बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं है। मैंने कहा मैं यहाँ पर देवेंद्र यादव उत्तराखंड इंचार्ज के रूप में नहीं खड़ा है, यहाँ पर नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ खड़ा हूँ और उस नाते हमारी कोशिश रहती है कि मेरे क्षेत्र का कोई भी बच्चा चाहे वो किसी भी रूप में पिछड़ जाता है तो मेरा फर्ज बनता है कि उसका हाथ पकड़ूं और उसको वो उड़ान भरने में मदद करूं।